नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के स्टूडियो ब्रिज प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मैं आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, और ये दोस्तों पहले चैप्टर के हैं जो कि इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का है, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप उनके उसका प्रीवियस ईयर है। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, क्योंकि ये एक आवर की वीडियो सीरीज है, इसमें मैं आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस करा दूंगा। जो बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको इसके अगले वीडियो सीरीज में कराऊंगा। दोस्तों बनी रहिए इसी मस्ती के साथ, प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। दोस्तों इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा का पूरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है, इंडेक्स प्रॉपर्टी सारी बता दी, उनके सारे टेस्ट बता दिए हैं। अब दोस्तों वक्त आ गया है कि इन सबके क्वेश्चंस अप्लाई करने का, कैसे इनके क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं। तो पास्ट 30 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, मैं आपको सारे सॉल्व कराने वाला हूं, और उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स पे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हूं। दोस्तों मैंने खुद पिछले 8 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट को, मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को गाइड किया है इस एग्जाम के बारे में, ताकि वो इस एग्जाम के थ्रू अपना करियर बना सके। दोस्तों मेरे को अराउंड, मैंने खुद भी इस एग्जाम को बहुत बार मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया है विद वेरी गुड रैंक। आप बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, unacademy.com@ApoorvShubhamMittal। दोस्तों अपूर्व शुभम मित्तल मेरा पूरा नाम है, आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करिए। दोस्तों क्या रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आप मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पे। दोस्तों इसका रीज़न ये है क्योंकि अनअकैडमी पे मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं कंटिन्यूसली आ रहे हैं। सुबह मैं जियोमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, शाम को जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों कहीं आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो, इसलिए आप प्लीज़ इस एड्रेस पर जाइए, मुझे फॉलो करिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों अनअकैडमी के स्टूडियो ब्रिज प्लेटफॉर्म पे इंडिया की नोन फैकल्टी, जो ये नोन फेसेस हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़िए दोस्तों, ताकि आप किसी भी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के हों, अपने फ्रेंड्स को बताइए। आपके अगर कोई फ्रेंड है डिफरेंट स्ट्रीम के, आप उन्हें बोलिए कि अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज प्लेटफॉर्म पे इतने नोन फेसेस जुड़ चुके हैं, और आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को बूस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों तो ये अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के कुछ एजुकेटर्स हैं, ये नोन फेसेस हैं, अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज लोग हैं, आप इनसे सीखिए। और दोस्तों ये देखिए, ऐसा कुछ आपको दिखेगा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, ये एजुकेटर्स हैं, उनका नाम है, और वो कौन सा कोर्स ले रहे हैं, और मतलब कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। दोस्तों क्या फ़ायदे होते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दोस्तों मैंने ये देखा है कि बहुत फ़ायदे हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के। आप किसी भी समय आप अपना लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, अनलाइक इन ऑफलाइन क्लासेस जहाँ पर आपको एक फिक्स टाइम पर जाना होता है। यहाँ पर आपके पास लैपटॉप है, फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, और आप यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड मतलब लेक्चर आपने देखना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ऐसा कुछ URL रहता है, ऐसा कुछ इंटरफेस रहता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे, कि ऐसा आपको दिखेगा। एजुकेटर आपको ऊपर पढ़ा रहा होगा, वो आपको दिखता रहेगा, प्लस साथ में आप वहाँ पर लाइव लिखते चले जाओगे, वो आपको दिख जाएगा, और उसके बाद आप वहाँ पर अपने डाउट्स भी भेज सकते हो। तो वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन होता है दोस्तों एजुकेटर के साथ। बहुत अच्छा URL है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप जरूर इस पे आइए। दोस्तों जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और 2 साल की जो फीस अराउंड उसे पेबल होगा अमाउंट, वो 40,000 है। बट दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पर अनअकैडमी में अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ASM लाइव, अपूर्व शुभम मित्तल मेरा पूरा नाम है, उसका इनिशियल्स अगर आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ ASM लाइव, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो GATE 2022 देना चाहते हैं, प्लीज़ इस कोड को यूज़ करिए। और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, जिन्हें GATE 2021 देना है दोस्तों, उनके लिए जो फी अराउंड है वो 2,083 रुपीज़ पर मंथ है। अगर आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्लूडिंग टैक्सेस, ये 25,000 है। अगर आप यहाँ पर मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ ASM लाइव, तो दोस्तों यहाँ पर 10% का अगेन आपको डिस्काउंट मिलेगा, अमाउंट पेबल विल अराउंड 22,500। दोस्तों बहुत अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि अनअकैडमी में आप पूरे साल भर एजुकेटर के साथ टच में रहते हैं, अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो बहुत बेनिफिट्स हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं या फिर पास आउट हैं, वो दोस्तों 1 महीने का या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिन्हें GATE 2020 देना है। और जो इनके सब्जेक्ट वीक रह गए हैं, इस 1 महीने में या 3 महीने में आप उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे अपने फंडे बना सकते हो क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों उस इस अगेन द फीस फॉर 1 मंथ इज अराउंड 5,000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज ASM लाइव, अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, द अमाउंट पेबल विल बी अराउंड 4,500 रुपीज़। 4,500 में दोस्तों आप अपने अपने प्रिपरेशन को एक बूस्ट ला सकते हो। दोस्तों
आप अनअकैडमी का स्टूडियो ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, ये यूआरएल है, आप देखिए ऐसा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको गेट सेक्शन में जाके आपको जिस पे आप रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के हैं वहां पर आपको रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपको जो आपका सब्जेक्ट वीक है वो सब्जेक्ट के पूरे लेक्चर यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों आप ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के लेफ्ट राइट हैंड साइड में कि 36,000 रुपीज जो अमाउंट पेबल है वो आफ्टर डिडक्शन है, आफ्टर 10% ऑफ डिस्काउंट। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज के, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं यहां पर लूंगा, ये गेट 2014 का क्वेश्चन है। बट दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको रिकॉल करा देता हूं जो पिछली क्लास के, सारे फॉर्मूले रिकॉल नहीं कराऊंगा दोस्तों, यहां पर कुछ फॉर्मूले यहां पर रिकॉल करा देता हूं ताकि आप जब ये क्वेश्चन करें और आप मेरे साथ कोप अप कर सकें और तुरंत आप फॉर्मूला स्ट्राइक कर सकें। तो दोस्तों कुछ फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर के हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि हमने यहां पर शुरुआत जब की थी तो कुछ पैरामीटर्स देखे थे। तो हमने सबसे पहला देखा था वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट डब्ल्यू हमने क्या देखा था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल या फिर वेट ऑफ सॉलिड, तो ये आपने मॉइस्चर कंटेंट देख लिया। डब्ल्यू डैश आपने कैसे डिफाइन किया, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल, यहां पर लिख देता हूं वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल, ये एक और फॉर्मूला हमने देख लिया। फिर हमने दोस्तों देखा वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी हमने देखा दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एयर कंटेंट दोस्तों एसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। उसके बाद एसी के बाद दोस्तों एनए परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। फिर हमने देखा एस प्लस एसी जो होता है दोस्तों वो 1 होता है और एनए इज इक्वल टू एन इंटू एसी, ये एक और फॉर्मूला होता है। तो ये हमने देख लिया दोस्तों। उसके बाद कंसिस्टेंसी के हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, कंसिस्टेंसी के फॉर्मूले हमने देखा, इंटर रिलेशनशिप देखा हमने, एसई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी होता है, एसई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, सहवाग वाला फॉर्मूला है। उसके बाद गामा बल्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, जी प्लस एसी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा ड्राई क्या होता है दोस्तों, एस की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। उसके बाद दोस्तों गामा सैचुरेटेड वो क्या होता है, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये आपका गामा सैचुरेटेड हो गया। गामा समर्ज क्या होता है, गामा समर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, और यही चीज क्या हो जाएगा दोस्तों, गामा समर्ज इज इक्वल टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो ये गामा समर्ज हो गया। गामा समर्ज के बाद दोस्तों यहां पर एक और फॉर्मूला, यहां पर इंटरलेशनशिप एक और निकाल सकते हैं क्या, गामा डी इज इक्वल टू, अगर आपको बल्क यूनिट वेट पता है और अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट पता है, यू विल गेट दी ड्राई यूनिट वेट। और दोस्तों ड्राई यूनिट वेट कैसे आता है, 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, एक और ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने क्या किया, कंसिस्टेंसी के फॉर्मूले हमने देखे, कंसिस्टेंसी में आपने सबसे पहले देखा श्रिंकेज रेशियो आर, श्रिंकेज लिमिट आपने देख लिया दोस्तों, श्रिंकेज लिमिट आपका जो होता है डब्ल्यू एस वो क्या होता है, 1 अपॉन जी डी माइनस 1 बाई जी, एक तो ये श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद दोस्तों श्रिंकेज लिमिट के बाद हमने कौन सा फॉर्मूला देखा, उसके बाद श्रिंकेज लिमिट के बाद हमने श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला देखा, श्रिंकेज रेशियो, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशियो जो होता है वो आर होता है, वो क्या होता है, वी वन माइनस वी टू अपॉन वी डी अपॉन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू 100, ये आपका श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला होता है। और श्रिंकेज रेशियो जो होता है दोस्तों, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ड्राई सॉइल, ये होता है श्रिंकेज रेशियो। और दोस्तों एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, श्रिंकेज रेशियो हो गया, और श्रिंकेज रेशियो के बाद वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो है दोस्तों वी एस, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज वी वन माइनस वी डी बाई वी डी इंटू 100, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बाद आपका दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट आपका जो है श्रिंकेज इंडेक्स है, श्रिंकेज इंडेक्स आपका क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। उसके बाद कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है दोस्तों, वो क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और उसके बाद लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, वो क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, तो ये आपका लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, आई पी, और एक फ्लो इंडेक्स भी होता है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, फ्लो इंडेक्स इज द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, तो ये आपका स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, ये होता है स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, ये हो गया। फ्लो इंडेक्स के बाद दोस्तों यहां पर आपने अलग फॉर्मूला एक देखा, फ्लो इंडेक्स आपका हो गया, और उसके बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी दोस्तों क्या होता है, एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन क्ले साइज। उसके बाद टफनेस इंडेक्स आई टी, टफनेस इंडेक्स क्या होता है, आई पी अपॉन आई एफ,
प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो वैल्यू। और दोस्तों हमने इतने सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, ठीक है। और अगर एक और दो छूटे होंगे तो हम क्वेश्चन से रिपीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि देखिए, अ गिवन कोहेजनलेस सॉइल हैज मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ 0.85, मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 इन द फील्ड। द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड टू अ मास डेंसिटी ऑफ 1800 केजी पर मीटर क्यूब एट अ वाटर कंटेंट ऑफ 8%। टेक द मास डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 केजी पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द जीएस। जीएस इज द ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, सॉलिड इज 2.7। द रिलेटिव डेंसिटी इन परसेंटेज ऑफ द सॉइल। देखिए दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का गेट 2014 में आया था, और ये क्या आ गया दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आ गया, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा वीडियो लेक्चर हुआ था, रिलेटिव डेंसिटी को हमने क्या डिफाइन किया था, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स एक ही बात होती है, डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स आईडी होता है। आईडी आपका क्या होता है दोस्तों, ईमैक्स होता है, ईमैक्स माइनस ई अपॉन ईमैक्स माइनस ए मिनिमम इंटू हंड्रेड। ये आपका क्या होता है दोस्तों, आईडी होता है। और आईडी जो होता है, डेंसिटी इंडेक्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है, डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो दोस्तों 0% से लेके 100% इसकी रेंज होती है। मतलब सारी की पहली आपने क्या देख लिया कि क्या सारी वैल्यू 0 से 100 के बीच में, यस 0 से 100 के बीच में, इसका मतलब सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं करेक्ट है। अब दोस्तों आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, ईमैक्स दिया हुआ है, ई मिनिमम दिया हुआ है, बट आपको वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल के बारे में नहीं दिया है। तो फील्ड पे जो सॉइल है उसके बारे में आपको नहीं दिया है, बट ड्राई डेंसिटी आपको दी हुई है दोस्तों यहां पर, कि मास डेंसिटी आपको दी हुई है 1800 केजी पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट ऑफ 8% एट वाटर कंटेंट ऑफ 8%। तो वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है, मास डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास डेंसिटी आपको दी हुई है, मास डेंसिटी दोस्तों यहां पर दी हुई है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं कि पॉइंटर यूज कर लेता हूं, मास डेंसिटी वो कितना दिया हुआ है, 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1800 केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कितनी दी हुई है सॉइल की, वो 2.7 दी हुई है। और दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट दिया हुआ है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो आपका दोस्तों यहां पर क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ वाटर आपका कितना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और उसके बाद दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है, वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है, वाटर कंटेंट इज अराउंड 8%। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, आपको वॉइड रेशियो अगर निकालना है किसी सॉइल का, वॉइड रेशियो अगर आपको मिल गया एग्जिस्टिंग कंडीशन में, तो आईडी आप पुट कर दोगे, आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये आपको पता करना है, इनटू 100। ये आपको पता करना है। अब दोस्तों ईमैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू आपको दी हुई है, ईमैक्स की मिनिमम 0.85 और 0.5, तो ईमैक्स आपका कितना है 0.85, ई मिनिमम आपका कितना है 0.5। ईमैक्स आपको पता है, ई आपको पता है, ई मिनिमम। अब आपको ई चाहिए दोस्तों, हमें पता है सहवाग वाला फॉर्मूला होता है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब दोस्तों ऐसा क्या करें कि आपको यहां पर वॉइड रेशियो मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, आपको यहां पर जी दिया हुआ है, जी से आप क्या निकाल सकते हैं, डब्ल्यू भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है। अब कहां से हम यहां पर दोस्तों कि ये लेके आए, ठीक है, आपको पता है कि बल्क यूनिट वेट जो होता है दोस्तों, जी बल्क, बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू, ये क्या होता है दोस्तों, बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी क्या होता है, जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन या रो डब्ल्यू अपॉन 1+E, ये होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहां से क्या आप, हाँ, ये इस इक्वेशन से, अब देखिए दोस्तों क्या इस इक्वेशन से हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आप ध्यान से देखिए कि क्या हम इस दो इक्वेशन हमारे पास हैं और क्या हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इस वाली गामा बल्क इक्वेशन से, ये मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं आपको, ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये 1800 दी हुई है, 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी आपका दिया हुआ है 2.7 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी की जगह मैं डब्ल्यू जी लिख सकता हूं, डब्ल्यू आपका कितना है 8% है, और जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जी की वैल्यू 2.7 है, तो जी प्लस एसई, एसी की जगह मैं
डब्ल्यू जी लिख सकता हूँ, और डब्ल्यू जी मेरे पास है यहाँ पर, तो ये आपको पुट करने का। डब्ल्यू आपका कितना है, 8% है, तो 8% और आपने क्या रखा, ई की वैल्यू रख दिया। दोस्तों ये यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा मेरा, ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ई की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये आपका कितना आ जाएगा, 0.008, 8% है, हाँ ठीक है, दो दो जीरो आ गया, और ये ई इंटू जी 2.7 इंटू रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू आपका कितना है, 1000 kg/m³ अपॉन 1+E, तो ये ई निकालना है आपको। ये जो ई की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये मैं आपको देख के बता देता हूँ, 0.62 आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.62 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में रखना है, आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स की वैल्यू 0.85 माइनस 0.62 डिवाइड बाई आपका कितना आ जाएगा, 0.85 माइनस 0.5 इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आएगी 65.71%। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 65.71, तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए गेट का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गए। रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही दोस्तों हमारे मन में आता है तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ दी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ दी वाटर कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं रिलेटिव डेंसिटी को आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा, कि डेंसिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। तो ये आपने देख लिया, तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में गिवन था आपने सबसे पहले क्या किया, अब आपको गामा बल्क दिया हुआ था, गामा बल्क की मदद से आपने क्या किया, ये आपने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको अप्रोच करना है और आपको आंसर निकालना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों, ये आया हुआ है गेट 2014 में। तो गेट 2014 में आया है, और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सर्टेन सॉइल हैज दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल आपको दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.71, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल आपको दे दिया। उसके बाद पोरोसिटी आपको दिया हुआ है 40%, उसके बाद दोस्तों आपको वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है 20%। तो ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल राउंड, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आपको पूछा है। तो दोस्तों एस आपको पूछा है, वी नो एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, देखिए सहवाग वाला फॉर्मूला कितनी बार लग रहा है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब ये यहां पर आपके पास ई नहीं है, अगर ई आ जाए, वाटर कंटेंट आ जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाए, विल गेट द आंसर, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू है, जी की वैल्यू है, एस की वैल्यू हमें पूछ रहा है, ई की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, पोरोसिटी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी, वी नो पोरो ई इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी, तो एन की वैल्यू कितनी है, 0.40 अपॉन 1 माइनस 0.40, तो 0.40 डिवाइड बाय 0.60, तो 0.40 डिवाइड बाय 0.60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.66, तो 0.66 वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब यहां पर रख दीजिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इंटू 0.66 इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू 0.20 और एन की जी की वैल्यू 2.71, तो यहां से डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका आ जाएगा 0.831 0.813। अब दोस्तों यहां पर इसे परसेंटेज में पूछा है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 81.3% आपका आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो आपको यहां पर आंसर कितना लिखना पड़ेगा, 81.3। और दोस्तों यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट परसेंटेज। अब 81.3 है, तो इसका मतलब आंसर आप 81.3 नहीं लिखोगे, परसेंट राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट परसेंटेज, तो इसका मतलब नियरेस्ट आपका क्या है, 81%, द आंसर विल बी 81%। आप पुट करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो देखिए दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं आपसे एक दो फॉर्मूले अप्लाई करवा के फॉर्मूला आपका आंसर निकलवाया है, तो देखिए ये स्ट्राइक करने वाली बात है, जितना आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, आप इसे इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन मान सकते हो, सॉइल का भी मान सकते हो। यहाँ पर स्टोक्स लॉ लगा हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन्स, और यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको सॉइल को सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन मानना है, सॉलिड
ग्रेन्स ऑफ आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों सॉइल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है एंड डायमीटर बिटवीन दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल ए एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल बी, ये सेम आपको दी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों के जो डायामीटर हैं वो कितने हैं, ए का डायामीटर कितना है दोस्तों, डायामीटर ऑफ ए इज 0.075 mm और डायामीटर ऑफ बी ये कितना है दोस्तों, डायामीटर ऑफ बी है 0.0075 mm। तो ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं। इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिकल फॉलिंग थ्रू द वाटर विदाउट फ्लॉक्यूलेशन, जो टर्मिनल वेलोसिटी है सेटलिंग वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी जो बड़ा पार्टिकल है उसकी कितनी है विदाउट फ्लॉक्यूलेशन, इज 0.5 mm/s, ये आपको दिया हुआ है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की आपसे पूछा है, टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी, तो आपको पता है सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है g-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 into μ। तो दोस्तों यहां पर देखिए 18 into μ, यहां पर आपको देखना पड़ेगा दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर व्हेन द फ्लो इज लेमिनर, व्हेन फ्लो इज लेमिनर, और किस साइज के पार्टिकल के लिए दिस फ्लो, दिस सेटलिंग वेलोसिटी इज वैलिड फॉर लेमिनर फ्लो एंड पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 0.2 mm to 0.2 micron। तो 2 micron से बड़े पार्टिकल के लिए और 0.2 mm से छोटे पार्टिकल के लिए ये वैलिड है। 0.2 माइक्रोन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 0.00 × 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 0002, तो ये आपका आ गया इतने mm है। तो दोस्तों इससे तो बड़ा होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहां पर कि 0.0075 है। अच्छा यहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि ए पार्टिकल आपका कितना है 0.075 है और दूसरा पार्टिकल 0.0075 है और सेटलिंग वेलोसिटी बड़े पार्टिकल की, सबसे बड़ा जो पार्टिकल है, तो इन दोनों में बड़ा पार्टिकल कौन सा है दोस्तों, 0.075 है, 0.0075 छोटा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये ए की दी हुई है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए और आपकी बी की पूछी हुई है, ये आपसे पूछी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पर आपकी जो सेटलिंग वेलोसिटी दी है, अब आप अगर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हो जी माइनस वन गामा डब्ल्यू अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 18 μ, तो ये 0.0002 दोनों ही पार्टिकल आपके इससे बड़े हैं। और दोस्तों क्या ये 0.2 mm से छोटे हैं, आप देख सकते हैं 0.075 ये दोनों ही पार्टिकल आपके कहीं ना कहीं इन इस रेंज से आपके इस रेंज में ही है, मतलब यानी कि आप यहाँ पर स्टोक्स लॉ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन, तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या है दोस्तों, g-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 μ। तो दोस्तों देखिए पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, वाटर की डेंसिटी सेम है क्योंकि एक टेम्परेचर पर कर रहे हो और फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी भी आपकी सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल। या दोस्तों आप यहां पर यह भी कर सकते हैं कि जो आपका बड़ा पार्टिकल दिया हुआ है, बड़ा पार्टिकल जो आपका दिया है वहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी 0.5 है, तो यानी आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू और डायामीटर का कितना है दोस्तों mm में आपका है ये दिया हुआ है 0.075 का स्क्वायर अपॉन 18 into μ। और दोस्तों इसकी आपको क्या निकालनी है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी आपको निकालनी है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी आपको निकालनी है, दैट इज g(b-1)γ(w)/18 μ इंटू 0.0075 का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, दोनों का आप रेशियो ले लीजिए 1/2। जब आप ये दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.5 / सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू, जो चीज कैंसिल आउट हो गई क्योंकि जी ए इज इक्वल टू जी बी है, तो जो कैंसिल आउट हो गई वो आपने कैंसिल आउट कर दिया, और दोस्तों जब आपने रेशियो लिया तो ये कितना आ जाएगा 0.075 का स्क्वायर / 0.0075 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपने कर लिया, यहां से आप सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी आप निकाल सकते हैं एंड द आंसर विल कम आउट टू बी, ये आपका आ जाएगा 0.005, तो सेटलिंग वेलोसिटी 0.005, ये आपका आंसर mm पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज ये क्या है दोस्तों, ये आपका साइज mm में है, ये भी साइज mm में है, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, 0.5 mm पर सेकंड में है, तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 0.005 mm पर
सेकेंड. तो यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या 0.005, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका जो है वो सही है. आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप यहाँ पर स्टोक्स लॉ की मदद से आप अपने आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. दोस्तों बहुत ही केयरफुली गेट के क्वेश्चन करने होते हैं. देखिए मैंने इतनी बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया फिर भी यहाँ पर देखिए लिखने में मेरे से गलती हो गई कि बड़े पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी आपको दी हुई है तो उसके बाद स्मॉलर पार्टिकल की आपकी पूछी हुई है. तो देखिए बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से आपको ये क्वेश्चन करने हैं ताकि आपका आंसर करेक्ट है. तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आंसर निकाल लिया है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा. तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों. ये क्या है आपका 0.075 है, ये 00 है. इसका मतलब आप 10^-1 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका वही चीज़ आ जाएगी 10^-1 का आप यहाँ पर स्क्वायर आपने कर दिया तो ये आप देखोगे 0.005 आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेट 2005 का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो गिवन है पहले हम उसे देख लेते हैं. दोस्तों यहां पर क्या गिवन है, अ सैचुरेट सॉइल मास हैव टोटल डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. टोटल डेंसिटी आपको दिया हुआ है तो टोटल डेंसिटी आपका कितना होता है गामा बल्क. गामा बल्क आपका दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपको दिया हुआ है. और वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है, वाटर कंटेंट इज 10%. द बल्क डेंसिटी एंड द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, गामा डी आपसे पूछा है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल. वी नो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, अगर आपको गामा बल्क पता है और उसका वाटर कंटेंट पता है वी कैन फाइंड आउट द ड्राई डेंसिटी. ये क्या होता है गामा बल्क अपॉन 1+ मॉइस्चर कंटेंट. तो देखो दोस्तों यहां पर कितना है 22 ये हो गया डिवाइड बाई 1+0.10 दैट इज 22/1.10. तो यानी 22 से तो कम ही आएगा, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा दोस्तों 22/1.1. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 22/1.10 तो ये दोस्तों 20 एग्जैक्ट आ जाएगा. ठीक है, हाँ ये ऐसे भी हम देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक एप्टीट्यूड वाली चीज़ भी मुझे एकदम रिकॉल हो गई क्या कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो ऐसे x में क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका 10% अगर हम बढ़ा दें तो 22 आ जाए. तो हम दोस्तों अगर 20 में 20 का 10% बढ़ाते हैं तो 22 आ जाएगा दोस्तों. तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि दी ड्राई डेंसिटी इज 20. अब ड्राई डेंसिटी तो 20 ये है, मतलब ए और बी ऑप्शन होगा. अब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा हुआ है बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी आपको क्वेश्चन में 22 दी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा. दोस्तों यहाँ पर टोटल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट की गई थी ताकि जिन स्टूडेंट्स को पता हो वो यहाँ पर टिक कर लें. तो विद द हेल्प ऑफ, हमने यहाँ पर क्या निकाला, विद द हेल्प ऑफ बल्क डेंसिटी वी कैन फाइंड आउट द ड्राई डेंसिटी. तो इसका ऑप्शन बी हो गया. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों. ये आ गया अगला क्वेश्चन गेट 2004 का है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 1.25. तो दोस्तों गिवन क्या है दोस्तों यहां पर आपको, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो विद इन 5 मिनट्स में ये हो जाना चाहिए. द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड अपॉन टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज गामा ड्राई ऑफ सॉइल इज 1.25. इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स जी इज इक्वल टू 2.65, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है. द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज, वॉइड रेशियो आपसे पूछा हुआ है. ठीक है दोस्तों, गामा सैचुरेटेड क्या होता है जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1+ई. और दोस्तों यहां पर क्या है उसी सॉइल का सैचुरेटेड की उसी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट क्या है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+ई. इसका जो रेशियो है दोस्तों कितना है 1.25 है. और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपकी जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ. गामा डब्ल्यू 1+ई कैंसिल आउट हो गया तो जी प्लस ई अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 1.25. और जी की वैल्यू आपको दी हुई है 2.65 तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.65 + e = 1.25 × g तो यहां से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा e की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1. क्या आप माइनस कर लीजिएगा तो दोस्तों यहां पर e की जो वैल्यू आ जाएगी आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए विल गेट दी आंसर. e की जो यहां पर वैल्यू आ जाएगी मैं देख लेता हूं फ्रेंड्स, ये 0.66 आ जाएगी 0.663. तो इसका मतलब 0.663 ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर. ये एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों. अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं दैट इज गेट 2002 का, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों फटाफट हम कर लेते क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें कवर करने हैं तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए ताकि हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर ले जाएं. ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ.
The following data were obtained from a liquid limit test. अब हमने यहाँ पर क्या किया है? Liquid limit test किया हुआ है. Conducted on a soil sample. Number of loaves 17 दिए. अब उस समय water content कितना था? 63.8 था. तो इस water content पे 17 number of rotation पे वो half inches move कर गए. फिर water content 63.1 था. तो इस water content पे 22 number of loaves दिए तब वो move कर गया. और दोस्तों 60.6 जब आपने water content और बढ़ा दिया तो देखो दोस्तों आपने क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट का परसेंटेज कम हो रहा है. कम अगर हो रहा है, देखो 63.8 से 63.1, 60.6 कम हो रहा है, तो आपके ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं. तो 60.5 जब आपने किया तो 34 नंबर ऑफ रोटेशन पे वो हाफ इंचेस मूव कर गया. उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है दोस्तों, लिक्विड लिमिट चाहिए आपको. लिक्विड लिमिट आपने क्या देखा, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट है वही आपका लिक्विड लिमिट होता है. तो यहाँ पर मैं आपको नोट करके लिख देता हूँ ये चीज, लिक्विड लिमिट is that water content at which soil of standard groove moves by half inches by action of 25 number of blows. तो 25 number of blows से जब half inches move कर जाती है तो वो water content जो होता है वही liquid limit होता है. तो यहाँ पर 61.9% आपका answer आ गया. Next दोस्तों अगले question पर बढ़ते हैं. अगला question आपका क्या है, देखिए again relative density, density index. तो ये कई बार टर्म आ गया है, तो ये डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, मैं लिख देता हूं डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी एक ही टर्म है. रिलेटिव डेंसिटी ये एक ही टर्म है सॉइल में, कि सॉइल अपने रिलेटिवली कितनी ज्यादा डेंस है, कितनी ज्यादा लूज है. तो दिस पैरामीटर विल इंडिकेट दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल. तो ये पैरामीटर वो बताता है. तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया हुआ है, वॉइड रेशियो एट द डेंसेस्ट स्टेज. डेंसेस्ट स्टेज में मतलब मैक्सिमम होगा कि लूजेस्ट होगा, डेंसेस्ट में आपका क्या होगा, वॉइड रेशियो कम होगा, क्योंकि जितनी सॉइल डेंस होगी उसमें वॉइड इतने कम होंगे. तो ई मिनिमम आपको दिया हुआ है, मिनिमम आपको 0.2 दिया हुआ है. लूजेस्ट स्टेट में ई मैक्सिमम आपको वॉइड रेशियो कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है. और नेचुरल स्टेट में आपको दोस्तों क्या हुआ था, 0.4 दिया हुआ है. तो रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछा है. तो ये क्वेश्चन देने का दोस्तों यही मकसद है, ये निकालना कि स्टूडेंट को क्या रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि नहीं है. और देखिए दोस्तों ये तो आपका अप्रोच हो गया न्यूमेरिकल वाला, और ईएस में अगर ये क्वेश्चन आता तो कहीं ना कहीं असर्शन रीजन में आ जाता. क्या रिलेटिव डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसनेस को बताने के काम आता है? बिल्कुल आता है. एब्सोल्यूट मतलब दो सॉइल्स के बीच में ये बताना कि वो कितनी ज्यादा लूज है, कितनी ज्यादा डेंस है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डिपॉजिट, तो यहां पर हम देख लेते हैं आई डी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इनटू 100, क्योंकि सारे ऑप्शन परसेंटेज में दिए हुए हैं. तो आप क्या करोगे, इसे परसेंटेज में देखोगे. ई मैक्स की वैल्यू 0.6 है, ई की वैल्यू 0.4 है, अपॉन ई मैक्स की वैल्यू 0.6 है, ई मिनिमम की वैल्यू 0.2 है. तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई 0.4. तो ये अराउंड 50% आपका आंसर आ गया. तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी. तो ये आपने एक और क्वेश्चन कर लिया, दैट इज डेंसिटी इंडेक्स के ऊपर. दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2000 का. ये भी वन मार्क्स का क्वेश्चन है. जितने भी दोस्तों मैं आपको वन मार्क्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसरो एग्जाम के लिए भी, जो कि 12 जनवरी को होने वाला है. दोस्तों लग जाइए, मेहनत करिए उस एग्जाम के लिए. तो जितनी भी सीट्स हैं आप देखें कितनी सीट्स हैं, कितना कट ऑफ जाता है. इसके ऊपर मेरी एक वीडियो आएगी जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियर्स कैसे इसरो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और उसमें अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन आपको क्या है दोस्तों, अ सॉइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो 0.5 एंड इट्स पोरोसिटी विल बी. यहां पर दोस्तों देखा जाएगा कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉइड रेशियो 0.5 है, पोरोसिटी आपसे परसेंटेज में पूछी हुई है. तो दोस्तों हमें पता है पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई. इसके बाद हमारे पास कई कई फॉर्मूले इसके ऊपर, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई है. पर दोस्तों यहां पर देखिए क्या चीज है, क्योंकि आपको वॉइड रेशियो दिया हुआ है, पोरोसिटी आपसे पूछी है. अगर इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे,
तो दोस्तों कहाँ फंस जाओगे, देखो अगर आपने ये चीज़ किया 1/1+e, फिर उसका इन्वर्स लो, फिर उसका 1 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपने क्या किया, सीधे डायरेक्टली इस फॉर्मूले से अपना आंसर निकाल लिया। तो वॉइड रेशो आपको 0.5 दिया हुआ है अपॉन 1+0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5/1.5, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कितना आ जाएगा, ये इसका 3 times है, 1/3 का परसेंटेज अगर आप निकालोगे 33.33, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा टारगेट है कि हमें 43 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि गेट के ऑलमोस्ट हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें और पूरी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छा बना लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गेट 2000 में आया हुआ है और ये भी 1 marks का क्वेश्चन है दोस्तों। अब बहुत ध्यान से स्क्रीन पे मैं रुकता हूँ, 2 मिनट रुका हूँ, ये लाइव क्लास है दोस्तों, मैं रुका हूँ यहाँ पर और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ दोस्तों। पूरा टाइम लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज देखिए अभी इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है कि एम्बैकमेंट और बोरो पिट का जो होता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि बोरो पिट मतलब क्या है और क्या यहाँ पर एम्बैकमेंट क्या पूछा गया है। पहले आप गिवन लिखिए दोस्तों, सबसे पहला अप्रोच हमारा होना चाहिए कि हम यहाँ पर गिवन लिखें। तो गिवन जब मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो देख लेते हैं ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। अ बोरोपिट सॉइल हैज अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 kN/m³। तो बोरोपिट का जो है, बोरोपिट का डेटा दिया हुआ है, बोरोपिट का डेटा आपको दिया हुआ है कि इसकी जो ड्राई डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी या किलो न्यूटन, ड्राई डेंसिटी या फिर किलो न्यूटन, 17 kN/m³ ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैकमेंट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 100 m³, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, वॉल्यूम विद अ ड्राई डेंसिटी ऑफ, अच्छा अब ड्राई डेंसिटी ऑफ एम्बैकमेंट वो कितना है दोस्तों, 16 kN/m³, ये आपने दोस्तों देख लिया, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। अब दोस्तों दो चीजें दी हुई है, ड्राई डेंसिटी ऑफ एम्बैकमेंट भी दिया हुआ है और ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है बोरोपिट का भी दिया हुआ है। अब दोस्तों यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन से मैं वो कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि बोरोपिट और एम्बैकमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों यहां पर आप नोट बना के लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोपिट एंड एम्बैकमेंट एंड बोरोपिट एंड एम्बैकमेंट। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक जमीन है और हम इस जमीन को क्या करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, हमने यहां पर क्या किया, बोरो करना स्टार्ट कर दिया, यहां पे ये बोरोपिट हमारा है और यहां से हमने सॉइल एक्सकवेट करी और हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहां पर कोई एम्बैकमेंट, हमें हाईवे एम्बैकमेंट बनाना है, वो हमने एम्बैकमेंट बना लिया। तो यहां जो सॉइल उठाई और एम्बैकमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। यहां पर अक्सर पूछा जाता है कितनी वॉल्यूम की सॉइल हम यहां से उठाएं कि इतने वॉल्यूम का एम्बैकमेंट हमारा बन जाए। अब दोस्तों यहां पर क्या आता है, देखिए आप यहां से सॉइल एक्सकवेट कर रहे हो, मान लेते हैं ज्यादा वॉल्यूम की सॉइल एक्सकवेट करी, एम्बैकमेंट में आप उसे टैम्प करते हो तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैकमेंट ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ द एम्बैकमेंट मान लेते हैं अगर 100 units का है तो आपको कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा units की सॉइल को एक्सकवेट करना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादा वॉल्यूम की सॉइल, यहां पर उसके वॉइड्स कम हो जाएंगे, ग्राउंड पे तो वो जिस भी स्टेज में है तो एम्बैकमेंट में तो उसके वॉइड्स कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब एम्बैकमेंट का जो भी वॉल्यूम होगा उससे ज्यादा वॉल्यूम की सॉइल आपको एक्सकवेट करनी है। बट जो भी हम एक्सकवेट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल की जगह अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जितने वॉल्यूम के सॉलिड्स आप क्या करोगे एम्बैकमेंट से एक्सकवेट करोगे, उतने ही वॉल्यूम के सॉलिड्स आप यहां पर, जितने वॉल्यूम के सॉलिड आप बोरोपिट से एक्सकवेट करोगे उतने ही वॉल्यूम के सॉलिड आप एम्बैकमेंट में फिल कर दोगे। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जितना आपने एक्सकवेट किया उतना ही आप क्या करोगे फिल कर दोगे, भले ही टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम ज्यादा हो जाए, बट वॉल्यूम क्या है, मान लेते हैं यहां से अगर मान लेते हैं ये 4 solids मैंने यहां से उठाए और ये 4 solids मैंने यहां पर भर दिए,
चार की जगह 400 मान लीजिए, 400 सॉलिड मैंने उठाए, 400 सॉलिड यहाँ पर भर दिए, तो देखिए सॉलिड जितने आपके वॉल्यूम के थे उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भी ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। हम क्या मान के चलते हैं, वॉइड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये मान के चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। अब दोस्तों यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो डिवाइड दिस इक्वेशन, हमें पता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अभी हमने थ्री फेज डायग्राम देखा था, हम कई बार देख चुके हैं थ्री फेज डायग्राम में सॉलिड्स अलग जगह लेते हैं, वाटर अलग जगह और एयर आपका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हमने दिखा दिए, एयर वाटर और सॉलिड्स। अब सॉलिड्स ने कितनी जगह ली उसे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉइड्स में क्या क्या गया, एयर और वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये आपका क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अब इसमें क्या किया, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वन। तो दोस्तों यहां पर क्या आ गया, देखिए कि मैंने यहां पर क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये कहीं ना कहीं वॉइड रेशियो होता है, तो ये आपका क्या हो गया, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन इंटू वन प्लस वॉइड रेशियो। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस ई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वन प्लस ई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहां और यहां इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन बोरोपिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन एम्बैकमेंट, ये आपके इक्वल है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन बोरोपिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन एम्बैकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला हमने क्या देख लिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एक्सकवेटेड फ्रॉम बोरोपिट अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन बोरोपिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन एम्बैकमेंट अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द एम्बैकमेंट, ये हमने फॉर्मूला बना लिया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जब आपने देखा यहां पर ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन बोरोपिट दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन एम्बैकमेंट दिया हुआ है, तो यहां से हमें वन प्लस ई मिल जाएगा दोस्तों, यहां पर वन प्लस ई हमें मिल जाएगा। इसका मतलब आपने जब बोरोपिट की ड्राई डेंसिटी ऑफ द पिट आपने देखा सॉइल की, तो वो कितनी है 17, 17 इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन प्लस ई इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 17, ये आपका किसका है, 1 प्लस ई ऑफ द पिट। और दोस्तों हमें 16 दिया हुआ एम्बैकमेंट का ड्राई डेंसिटी ऑफ द एम्बैकमेंट, ये आपका कितना है दोस्तों 16 है, 16 इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल सॉलिड की सेम रहेगी क्योंकि सेम सॉइल है, 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द, ये किसका है दोस्तों एम्बैकमेंट का, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 16। अब दोस्तों हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास जो फॉर्मूला है ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। इस क्वेश्चन में टाइम दोस्तों इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया था, कुछ चीजें मैंने क्वेश्चन बेस पे छोड़ रखा है क्योंकि मैं सारी थ्योरी अगर कवर कराऊंगा तो ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं कई सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूं। अब दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला बना है ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ द पिट अपॉन वन प्लस ई पिट, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन एम्बैकमेंट, ये देखिए दोस्तों वॉल्यूम ऑफ द पिट अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द पिट, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एम्बैकमेंट अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द एम्बैकमेंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन द पिट अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैकमेंट, सॉइल इन द एम्बैकमेंट अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द एम्बैकमेंट। अब दोस्तों देखिए हमें ये वैल्यू और नीचे वाली की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, अब हमें क्या निकालना है कि आपको वॉल्यूम ऑफ द एम्बैकमेंट दिया हुआ है 100, हाँ ये दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कितने सॉइल, कितने वॉल्यूम की सॉइल हम एक्सकवेट करें, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल फ्रॉम द पिट कितना एक्सकवेट करें सच दैट ये 100 क्यूबिक मीटर हो जाए, वन प्लस ई ऑफ द पिट की वैल्यू कितनी है, वन प्लस ई पिट जी गामा डब्ल्यू अपॉन 17, ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कितनी आ गई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 17 इज इक्वल टू ये आपका 100 मीटर क्यूब है, ये कितना आ जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 16, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जी गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया और ये आपका ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल कितना एक्सकवेट करें फ्रॉम द पिट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 × 16/17, तो ये कहीं ना कहीं एक से बड़ी वैल्यू है, क्या ऑप्शन है यहाँ पर 106 है, तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा
इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, वन प्लस ई पिट कितना हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 17, और यहाँ से वन प्लस ई इम्बैकमेंट हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 16, तो जी गामा डब्ल्यू 17 अपॉन और इम्बैकमेंट हाउ बोरो पिट्स वाले आर द ड्राई डेंसिटी ऑफ 17, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन इम्बैकमेंट ऑफ 100 मीटर क्यूब. तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 17 वॉल्यूम ऑफ द पिट. हाँ दोस्तों ये मेरे से, ये देखिए दोस्तों मैंने यहां पर ये ध्यान नहीं दिया था, ये देखिए बहुत ध्यान से, 16 डिवाइड बाई 17 है, मतलब ये एक से कम वैल्यू, मतलब 16 डिवाइड बाई 17 कहीं ना कहीं 100 से ये कम वैल्यू आएगी. तो 100 से कम कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं 90 और 94 बिना कैलकुलेट करे दोस्तों, हम यहां पर इसे बिना कैलकुलेट करे हम ये देख सकते हैं कि वैल्यू 90 तक तो नहीं जाएगी, फिर भी आपके पास गेट कैलसी है तो आप देख सकते हैं 16 डिवाइड बाई 17 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.94, तो 100 डिवाइड बाई 0.94 16 डिवाइड बाई 17 0.94 हो जाएगा, 0.94 इंटू 100 दैट इज 94 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा 94 मीटर क्यूब. तो ऑप्शन यहां पर देख लीजिए 94 मीटर क्यूब ऑप्शन ए आ गया. तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बोरो पिट एंड एम्बैकमेंट. इसके ऊपर दोस्तों देखिए ईएस में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप पीछे रिवाइंड कर लीजिए और इसके कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए कि बोरो पिट से कितनी सवाल एक्सकवेट करेंगे कि कितना एम्बैकमेंट में उतने वॉल्यूम का एम्बैकमेंट आपका बन जाए. तो हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ईएस के ऑब्जेक्टिव में भी एक इसके ऊपर बहुत आता है, तो आपको ये फॉर्मूला मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि पिट से कितने वॉल्यूम की सॉइल निकालें अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द पिट, अगर आपको दिया हो तो इम्बैकमेंट में कितने वॉल्यूम का इम्बैकमेंट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों वन प्लस ई ऑफ द इम्बैकमेंट. तो देखिए चार पैरामीटर हैं दोस्तों, एक तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एक्सकवेटेड फ्रॉम द पिट, और जिस सॉइल को एक्सकवेट किया उसका वॉइड रेशियो कितना है, और कितने वॉल्यूम का इम्बैकमेंट आपको बनाना है, और जो आपका वॉइड रेशियो है इम्बैकमेंट का, वो वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द इम्बैकमेंट वो कितना है. तो ये चार वैल्यू में से तीन आपको दिया होगा, जैसे यहाँ पर वन प्लस ई पिट और वन प्लस ई इम्बैकमेंट नहीं दिया था, बट उसकी जगह ड्राई डेंसिटी आपको दिया था, तो दोस्तों आपने क्या कर दिया, ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करके निकाल दिया. आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी दोस्तों, हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख रहे हैं ताकि आपके सारे आंसर निकल जाएं. दोस्तों इसी तरीके से हम और भी आगे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके और जो मिसिंग कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए. देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ बोरो पिट और इम्बैकमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने तुरंत वो सॉल्व कर दिया, ये फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन था और ये हमने आंसर निकाल लिया दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आया गेट 1999 में, और ये क्वेश्चन क्या है, ये भी वन मार्क्स का क्वेश्चन है. प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन समर्ज यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन. देखिए दोस्तों ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये देखते हैं. तो दोस्तों हमने क्या देखा था कि जैसे मान लीजिए कोई सॉइल सैंपल है, कोई सॉइल सैंपल है, तो डाउनवर्ड में उसका क्या आता है, सैचुरेटेड वेट, मतलब वेट आप देख लेते हैं, यूनिट वेट नहीं देखते हैं, सैचुरेटेड वेट देख लेते हैं. यहां पर मैंने देखा कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नीचे तो दोस्तों वेट आएगा, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द वॉटर विच इज डिस्प्लेस बाई दी, कितने वेट का पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है दोस्तों ये आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, समर्ज वेट हो जाएगा, गामा समर्ज, समर्ज वेट ऑफ दिस सॉइल सैंपल विल बी इक्वल टू सैचुरेटेड वेट माइनस वेट ऑफ द वाटर, कितने वेट का पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया. अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल से डिवाइड कर दिया, ये भी वॉल्यूम ऑफ द सॉइल से डिवाइड कर दिया. हमें पता है जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी वो डिस्प्लेस करेगा. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर. तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ गया कि किस पे बेस्ड है ये, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी पे नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है दोस्तों. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली समर्ज्ड इन द लिक्विड एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन इट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस. तो ये आपका कहीं ना कहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों. ठीक है, स्टोक्स लॉ इस पे बेस करता है, स्टोक्स लॉ एक्चुअली वो क्या बताता है कि एक एडिशनल ड्रैग फोर्स लगता है, तो ये एफडी की वैल्यू बताता है वहां पर. इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समर्ज वेट निकालना है आपको, तो ये कहीं ना कहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है, तो इस पे बेस्ड है. डार्सी लॉ क्या होता है दोस्तों, डार्सी लॉ हम देखेंगे जब हम परमिएबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, परमिएबिलिटी.
परमिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वी जब वेलोसिटी ऑफ द फ्लो अंडर अ सैचुरेटेड सॉइल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ द फ्लो, तो वी इज इक्वल टू के आई, ये उस पे आता है। तो डार्सी लॉ परमिबिलिटी वाले चैप्टर में हम देखेंगे। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 1999 और 1998 का हम करेंगे दोस्तों, और ये जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद एक और लेक्चर शेड्यूल है दूसरे एजुकेटर का। द टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल, द टफनेस इंडेक्स आईटी आपको दिया हुआ है दोस्तों, आईटी टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन IP अपॉन IF, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन IF, और टफनेस इंडेक्स की वैल्यू दोस्तों प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। तो ये कौन सा आपका देखो, लिक्विड लिमिट अपॉन प्लास्टिक लिमिट ये गलत है, लिक्विडिटी इंडेक्स अपॉन प्लास्टिक लिमिट ये भी गलत है, प्लास्टिक लिमिट अपॉन लिक्विड इंडेक्स ये भी गलत है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन ए सही है। तो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, IT की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है, ये आपको रिकॉल करना पड़ेगा। और अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम आती है, IT की वैल्यू अगर 1 से कम आती है, तो जो वो सॉइल होती है वो इजिली क्रस्ट हो सकती है, इजिली क्रस्ट, वो सॉइल इजिली क्रश हो सकती है। तो ये टफनेस इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का। और यही क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपको इसरो के प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसरो की प्रिपरेशन में आपका गेट के वन लाइनर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसका बात देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है इफ सॉइल इज ड्राइड बिलो इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन जो है ये आपका क्या है, श्रिंकेज लिमिट है। तो ये श्रिंकेज लिमिट हो गया, ये लिक्विड लिमिट हो गया, और ये दोस्तों क्या हो गया, सॉरी प्लास्टिक लिमिट हो गया, और ये दोस्तों लिक्विड लिमिट हो गया। तो ये सॉइल आपकी किस स्टेट में है, ये आपकी सॉलिड स्टेट में है और सेमी सॉलिड में है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, या इरेज नहीं करता हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ये आपका श्रिंकेज लिमिट है, और ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका प्लास्टिक लिमिट है, और ये आपका दोस्तों क्या है, ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक लिमिट के बाद ये आपका लिक्विड लिमिट है। तो ये तो सॉइल विल बी इन लिक्विड स्टेट, सॉइल विल बी इन प्लास्टिक स्टेट, सॉइल विल बी इन सॉलिड स्टेट, सॉइल विल बी इन सेमी सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों आपसे क्या बोला, अगर सॉइल को श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड ड्राई करते हैं तो उसका जो जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है, विच इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम। तो दोस्तों क्या चीज है, इफ द सॉइल इज ड्राइड बिलो इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो, लार्ज वॉल्यूम चेंज गलत है, मॉडरेट वॉल्यूम चेंज गलत है, लो वॉल्यूम चेंज गलत है, नो वॉल्यूम चेंज बिल्कुल भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये हमारे सारे वन मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है, वन मार्क्स के जितने क्वेश्चन है दोस्तों हम फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट आपका गेट 1998 का क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले मटेरियल दैट इज लॉस्ट बाय रीमोल्डिंग इज स्लोली रिकवर्ड विद टाइम, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू अंडरगो एन आइसोथर्मल जेल टू सॉइल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन एजिटेशन एंड सब्सिक्वेंट टू रेस्ट इज टर्म। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिस्टर्ब सैंपल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिमोल्डेड सैंपल। और दोस्तों क्या हुआ, एक बार आपने टेस्ट किया 100 यूनिट की स्ट्रेंथ आई, फिर उसके बाद उसी को अपन रिमोल्ड कर दिया 90 यूनिट की स्ट्रेंथ आई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या देखा कि कुछ दिन के लिए आपने सॉइल सैंपल को रख दिया और आपने फिर उसे टेस्ट किया तो वो 93 यूनिट का लोड ले रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 यूनिट की जो लोड है वो रीगेन हो गई। दिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी। तो थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच सॉइल रिगेन्ड इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, थिक्सोट्रॉपी दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1997 का, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल आपको कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, और वॉइड रेशियो, सॉरी पोरोसिटी आपको दिया हुआ है 20%, और वॉइड रेशियो आपसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों अगेन वॉइड रेशियो आपसे पूछा है, वी नो वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी, ये 0.20 हो जाएगा और ये 0.80 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 यानी 25% 0.25। तो ये 1/4 हो गया, 1/4 कितना होता है दोस्तों, 0.25 होता है। आपने फटाक से ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के ये सॉल्व कर दिया 0.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है 1997 का, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ सॉइल टू दैट ऑफ ए रीमोल्डेड सैंपल
एट द सेम वाटर कंटेंट इज नोन एज, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कैसे डिफाइंड होती है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सैंपल। तो ये आपका दोस्तों क्या होता है, अनडिस्टर्ब और रीमोल्डेड का जो रेशियो होता है वो सेंसिटिविटी होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों देखिए दो क्वेश्चन और हमारे पास हैं और टाइम हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है, तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन, उसके बाद ये दो क्वेश्चन, फिर हमारे कहीं ना कहीं वन मार्क्स के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 30 सालों में हमने सारे कवर कर लिए हैं ये दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ क्लेई सॉइल इज, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इस पूछा है क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी दोस्तों आपको पूछा है। आईसी क्या होता है दोस्तों, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इन द नेचुरल स्टेट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, तो आईसी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन आई पी। तो ये कहीं ना कहीं आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपको मिल गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन द नेचुरल स्टेट, तो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट को इन्होंने डब्ल्यू बोला हुआ है, एलएल को लिक्विड लिमिट, पीएल को इन्होंने प्लास्टिक लिमिट बोला हुआ है। तो एलएल आपका क्या है, डब्ल्यूएल, तो इसको अगर मैं एलएल के टर्म में लिखूं, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इन द नेचुरल स्टेट अपॉन एलएल माइनस पीएल, तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, पीआई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसका मतलब इसके नीचे हमें पीआई लिखना पड़ेगा। तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू अपॉन प्लास्टिसिटी पीआई। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है दोस्तों, लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू, तो ये आपका पहला ऑप्शन बन गया, तो ये आपका पहला कंटेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाई द कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल। अब देखिए दोस्तों यहां पर एटरबर्ग आ जाएगा, एटरबर्ग ने क्या बोला था, ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट के आगे अगर आप वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हैं, द सॉइल विल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, द कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल, तो वो कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, कोहेसिव सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी, सॉइल चेंज फ्रॉम वन स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू अनदर स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट इज सॉलिड सेमी सॉलिड प्लास्टिक एंड लिक्विड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, दी वॉइड रेशियो ऑफ दी सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी, दी वॉइड रेशियो ऑफ दी सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी, क्या ई की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, हमें क्या पता है, वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ, वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो दोस्तों अगर मैं इसे थ्री फेज डायग्राम से बताऊं, तो मैंने लेक्चर के टाइम पे भी ये बताया था, ये मान लेते हैं सॉलिड्स हैं, तो मान लेते हैं सॉलिड्स क्या हैं, पूरे सॉइल सैंपल में 10 सॉइल सॉलिड हैं और इन 10 सॉइल सॉलिड ने कितना वॉल्यूम लिया हुआ है, लेट अस सपोज 10 यूनिट का लिया हुआ है, और इनके बीच में जो स्पेस है, लेट अस सपोज उसने जो वॉल्यूम लिया हुआ है एयर ने और वाटर ने, ये लिया हुआ है 20 यूनिट्स ने, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी वॉल्यूम यहाँ पर लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी वॉइड इज 20 यूनिट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी सॉलिड इज 10 यूनिट, तो ये 20 डिवाइड बाय 10 ये कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यस इट कैन बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइट ट्रू और फॉल्स, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, ट्रू हो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने अगला क्वेश्चन कर लिया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं ताकि हमारे वन लाइनर के सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अब देखो दोस्तों कौन सा करेक्ट नहीं है, गामा सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड क्या होता है, जी हमें पता है जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, और सैचुरेटेड के लिए एस की वैल्यू वन होती है, तो इसे वन रखोगे तो क्या बन जाएगा, जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई और मल्टीप्लाई में गामा डब्ल्यू, तो ये बिल्कुल सही है, और इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो सहवाग बन जाएगा, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो ये भी सही है। उसके बाद पोरोसिटी हमें पता है क्या होता है, ई अपॉन वन माइनस ई होता है, यानी ये भी सही है, यानी जो आपका पहला है ई इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन वन, वन माइनस पोरोसिटी होता है, वन माइनस पोरोसिटी होता है, ई इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन वन माइनस पोरोसिटी, ये होता है। और दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, पोरोसिटी वन माइनस एन, एन तो कभी भी आपका क्या होता है, एक हमेशा एक से छोटा ही रहेगा, तो वन माइनस एन, एन अपॉन वन माइनस एन, तो ये भी सही है दोस्तों, ई इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, तो ये सही है दोस्तों। मगर ये जो होता है ये क्या होता है, वॉइड रेशियो अपॉन वन प्लस पॉइड रेशियो, तो यहां पर अगर प्लस होता तो ये सही होता, इसका मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, तो ये गलत है। इसका करेक्ट क्या होगा दोस्तों, वी नो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्योंकि मुझे जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराना है, और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों मेरे ही अभी दिमाग से निकला जा रहा था कि मैं, अब जब ऑप्शन देखे मैंने तब मैंने देखा कि अच्छा मुझे बहुत ही अटेंटिव होना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, एओलियन सॉइल,
एओलियन सॉइल जो होता है विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, तो यहां पर आप देख लीजिए एओलियन सॉइल जो होती है वो आपकी क्या होती है, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। अगर आपका क्या है फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो एयर फ्लो ऑफ एयर के कारण होती है, तो उसके बाद क्या होता है सॉइल जब डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वो ट्रांसफर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ विंड। तो विंड डिपॉजिट जो होते हैं, तो ये मैंने पहले से ही टिक लगाया हुआ है, तो विंड डिपॉजिट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एओलियन सॉइल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, लुईस सॉइल। एओलियन सॉइल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लुईस सॉइल। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको सॉल्व कराए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है गेट 2007 का, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगले लेक्चर में दोस्तों ये मैंने पूरा लेक्चर कवर कर लिया, मैंने सारे आपको फॉर्मूले बता दिए, जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे पिछले 30 साल में वो मैंने सारे आपको सॉल्व करा दिए। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए दोस्तों। और यहां पर दोस्तों मैं एंड स्लाइड पे एक बार चला जाता हूं, एक बार दोस्तों आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। बहुत हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। कल हम वीडियो लेक्चर जो हमारा बनेगा वो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, दैट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों इसी के साथ मैं यहां से आपसे अलविदा लेता हूं। सब्सक्राइब करिए आप दोस्तों और अनअकैडमी प्लस पे आइए दोस्तों, वहां पे मैं बहुत यूनिक क्वेश्चन जो आ सकते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे वो आपको करा रहा हूं दोस्तों। आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों ध्यान रहिए मेरा जो कोड है वो ASM लाइव है, मेरे नाम का इनिशियल्स आप यूज करेंगे तो ASM लाइव। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों, थैंक यू सो मच।